बार और क्विक रिविजन ऑफ SN1 SN2 के बारे में बता रहा हूँ। इस पूरे डायग्राम में आप SN1 SN2 से रिलेटेड रिएक्शन और वो किस तरह से वर्क करती है वो सारे बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये चीज़? ये एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको दिख रहा है ट्री है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई है और हर ब्रांचेस कुछ ना कुछ बता रही है। तो किस तरह से कौन सी ब्रांच बता रही है, तो चलिए देखते हैं। ये ट्री पूरा है SN1 SN2 SNI रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कुल मिला के अगर आप इस ट्री में देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। ये सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन, फिर बात करेंगे SN2 और फिर बात करेंगे SNI। SN1 रिएक्शन यानी अगर बोला जाए फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये ब्रांच हमारी जा रही है SN1 के लिए, इस तरफ ब्रांच जाएगी हमारे लिए SN2 के लिए और ये ऊपर की तरफ जाएगी ये है हमारे लिए SNI के लिए। तो यहाँ हम बात करें SN1 के लिए कि SN1 किस तरह से मूव कर रहा है। ध्यान से देखिए SN1 के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी रेट इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय के, रेट कॉन्स्टेंट है और RX यहाँ पर है आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन, यानी देखा जाए तो सब्सटेंस, यानी रेट सिर्फ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट पे नहीं कर रही है। सेकंड पॉइंट, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है यानी टू और मोर स्टेप्स रिएक्शन रहेगी। थर्ड पॉइंट, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बन रहा है, इंटरमीडिएट चेंजेज हो सकते हैं, रिंग एक्सपांशन 1-2 शिफ्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट, इसके लिए सॉल्वेंट चाहिए PPS यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि वाटर हो सकता है, अल्कोहल ले सकते हो, HCl ले सकते हो, बहुत सारे हमारे लिए हो सकते हैं सॉल्वेंट। दूसरा, हमारे लिए जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक होगा, जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल जो आसानी से अपना लोन पेयर ना दे, इस तरह से हम बात करें वीक न्यूक्लियोफाइल, जैसे वाटर अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल है। लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, यानी हम बात करें I- Br- Cl- और F- वीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग I- है, तो I- से F- की तरफ जा रहे हैं तो आपका न्यूक्लियोफाइल वीक होता जा रहा है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो सारे फैक्टर जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे रिएक्टिविटी भी बढ़ाएंगे, तो इस हिसाब से रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो आपने बेसिक सा समझा है कि यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए यानी, और हमारा न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, इतना वीक होना चाहिए कि पूरा कार्बोकेटाइन बन जाए तब तक वो अटैक ना करे, और वही यहाँ देखने को मिलता है कि कार्बोकेटाइन बनता है फिर न्यूक्लियोफाइल आता है आगे। नेक्स्ट, यानी इसके कुछ एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ROH है, ये R यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, कंसंट्रेटेड आपने HX ले लिया, ये बिल्कुल, तो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ और उसके बाद X यहाँ पर अटैच हो चुका है। इसका एग्जांपल आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, जैसे लुकास रिएजेंट अल्कोहल है, 3 डिग्री आसानी से देंगे क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ रिएक्टिविटी 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, 2 डिग्री बहुत कम देंगे और 1 डिग्री तो आपको देंगे ही नहीं, यानी कि टर्बिडिटी जो हमारे को दिखे देगी वाइट टर्बिडिटी वो यहाँ पर 3 डिग्री में इमिडिएटली दिखेगी, यहाँ पर 5 मिनट और यहाँ 30 मिनट और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो ये रहा SN1 का ग्राफ। नीचे की तरफ देखते हैं इथर क्लीवेज, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इथर के लिए, SN1 आपको कहाँ देखने को मिल रही है। देखिए ईथर के अंदर आप जानते हैं ऑक्सीजन है, दो एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो एक भी अगर 3 डिग्री का हो जाता है तो वहां पर SN1 रिएक्शन होती है, अगर बाकी के जो है वो हमारे पास SN2 देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर एक भी आपके पास यहाँ पर देखा जाए 3 डिग्री नहीं है तो SN1 के चांसेस बहुत कम होते हैं, फिर SN2 ही होती है। तो ये क्लीवेज कैसे होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन पे आप HI में I- यहाँ अटैच कर दें, H यहाँ कर दें, सिंपल सा, यानी O के साथ H जुड़ेगा और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, आई। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही 1 डिग्री वाले हैं तो फिर भूल जाओ आप, ये रिएक्शन हो रही है, फिर SN2 देखने को मिलेगी। तो अगला पॉइंट हमारे लिए 2E है, तो हम वापस आते हैं इस तरफ यानी दूसरी तरफ ब्रांच की तरफ जो पूरा SN2 को बता रहा है। तो यहाँ SN2 के लिए साथ हमारे पास एक पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन SN1 में हमारा एक पॉइंट रह गया है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है तो एक तरह से ट्राइगोनल प्लेनर आपको देखने को मिलेगी शेप, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ट्राइगोनल प्लेनर में तो वो ऊपर की तरफ से भी आ सकता है, नीचे की तरफ से भी आ सकता है, यानी कुल मिला के आपको इस तरह का रिटेंशन में मिलेगा, इन्वर्जन में मिलेगा और फाइनल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर यानी कि रेसेमिक मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट में। अगर कायरलिटी है तो रेसेमिक मिलेगा, और कायरलिटी नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं करना, बेकार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं SN2 के लिए। तो SN2 के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पहले ये समझते हैं कि SN2 कब देखने को मिलेगा और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए सिंगल स्टेप रिएक्शन है, आपको
है सिंगल स्टेप, लेकिन इसका ऑर्डर यानी केमिकल काइनेटिक में जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बात करते हैं वो है यहाँ पर टू, यानी बाय मॉलिक्यूल रिएक्शन है, वो यूनिमॉलिक्यूल रिएक्शन थी, ये बाय मॉलिक्यूल है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर उसका अपोजिट है, वहाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 था, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था, वहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था, यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी वहाँ वाटर एल्कोहल चाहिए था, यहाँ पर आपको एसीटोन जैसा चाहिए रहेगा, तो सही है, या डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड या डाईमिथाइल एथेनामाइड, ये आपको चाहिए रहेंगे, तो यहाँ मैंने एसीटोन देखा नहीं कि मेरे दिमाग में कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, एसेंट टू, यानी आपके दिमाग में जैसे ही एसएन टू आ रहा है आपको एसीटोन दिख रहा है, या एसीटोन दिखेगा एसएन टू दिख जाएगा, तो ऐसी कुछ चीजें आपको दिखाई देगी। यहां पर दोनों हमारे पास है, स्टेज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग कि वो सीधा पहले की कार्बोकेटाइन बने उससे पहले वो आके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, जो कि कार्बन के एंटी मॉलिक्यूल और एंटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल में आके अटैच हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कार्बन की 5 वैलेंसी है, नहीं होती 5, होती तो 4 ही है, लेकिन वो एंटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफाइल बैठ जाता है, और इस जगह हमारे पास लिविंग ग्रुप गुड यानी अच्छा होना चाहिए, यानी लिविंग ग्रुप तो हमारे लिए एस एन वन हो या एस एन टू हो दोनों ही जगह अच्छा होना चाहिए, अगर आई माइनस है तो दोनों ही आसानी से स्पीड देगा, बस डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल कैसा है सॉल्वेंट कैसा है, ये दो ही फैक्टर डिसाइड करेंगे एस एन वन एस एन टू के बीच में, और एल्काइल हैलाइड कौन सा है, बाकी एल्काइल हैलाइड के अंदर आयोडीन होना जरूरी है अच्छी रिएक्शन के लिए, यानी एस एन वन एस एन टू दोनों के लिए एल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप या हैलाइड जो आयन है वो हमारे पास आयोडीन होना चाहिए, अच्छा अच्छी बात है। इसके एग्जाम्पल है जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपके पास आर सी एल है, आपने एन ए आई लिया, आपके पास हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया आर आई, ये आर आई इस तरह से देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपको रिएक्शन मिल रहा है आर आई, यानी आपका सी एल आई से रिप्लेस हुआ है, लेकिन अगर उल्टा करना हो आपको सी एल को एफ से रिप्लेस करना हो तो आपको ए जी एफ लेना पड़ेगा और डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड आप ले सकते हैं, और उसके लिए आपके लिए स्वार्ज रिएक्शन होगी, क्या कहलाएगी स्वार्ज, यानी फ्रैंकलस्टीन में आपके पास क्या हो रहा है क्लोरीन आयोडीन में चेंज हो रहा है, और स्वार्ज में ए जी एफ की वजह से यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन में चेंज हो रहा है, ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए एस एन टू रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल हमारे एम्बिडेंटेड भी हो सकता है, यानी दो एम्बिडेंटेड आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक से ज्यादा लोन पेयर डोनर आइटम अगर प्रेजेंट है तो एम्बिडेंटेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है चलिए वो अलग बात हो गई। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जैसे सी एन माइनस एम्बिडेंटेड है तो यहाँ पर अब आपके पास एन ए सी एन है तो सी दे रहा है यहाँ पर तो आर सी एन बनेगा, लेकिन यही ए जी सी एन की जगह आपने ए जी सी एन ए सी एन की जगह ए जी सी एन दे दिया तो एन डोनर आइटम हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा आर एन सी, आ रही है बात समझ में, यानी आपको अगर साइनाइड बनाना है तो आप सोडियम साइनाइड लेंगे, और अगर आइसोसाइनाइड बनाना है या आइसोनाइट्राइल बनाना है तो आपके पास यहाँ पर एल्काइल आइसोनाइट्राइल कब बनेगा जब आप ए जी सी एन ले लें, तो कुछ कुछ क्लियर होने लगा आपका कि ए जी सी एन और एन ए सी एन क्या रहेगा, तो मैं तो आपको सिंपल सी बात करा देता हूँ, ए जी के साथ हमेशा डोनर एटम एन होता है और एन ए के साथ या पोटेशियम के साथ डोनर एटम सी होता है, इज दैट क्लियर, तो दूसरी तरफ देखिए आप आर एक्स है के एन ओ थ्री ले लिया के एन ओ टू ले लिया पोटेशियम नाइट्राइड आपने ले लिया तो बताइए पोटेशियम या सोडियम में डोनर एटम कौन होगा यहाँ पर क्या होगा इस जगह ऑक्सीजन और ए जी के साथ डोनर एटम कौन होता है नाइट्रोजन तो यही खास बात है कि यहाँ पर आर ओ एन ओ बनेगा जबकि यहाँ आर एन ओ टू बनेगा तो यहाँ आपके पास ऑक्सीजन डोनर एटम रहेगा के साथ पोटेशियम के साथ जबकि सिल्वर के साथ कौन डोनर एटम रहेगा नाइट्रोजन तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कुछ और रिएक्शंस की जैसे पिरीडीन के साथ अगर हम आर ओ एच के साथ रिएक्शन कराएं एसओ सी एल टू तो हैलोजिनेशन होगा ओ एच निकल जाएगा और आर सी एल और एसओ टू और एस सी एल आपको देखने को मिलेगा तो ये हमारे पास हो गया पिरीडीन के साथ पिरीडीन सॉल्वेंट ले रखा है रिएक्शन तो हमारी एसओ सी एल टू के साथ हो रही है। अब कुछ और भी रिएक्शन देते हैं पी सी एल फाइव की रिएक्शन हमारे पास बहुत सारी हो गई आर ओ एच यानी अल्कोहल ईथर एस्टर एसिड एसिड एनहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा हैलोजन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आरसीएल बन रहा है आरसीएल बन रहा है एसिड हैलाइड बन रहा है एसिड हैलाइड बन रहा है एसिड हैलाइड बन रहा है लेकिन यहाँ जेम डाई हैलाइड बन रहा है तो जेम हैलाइड डाई हैलाइड बनना ही अपने आप में क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में जेम डाई हैलाइड और एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे एसिड हैलाइड
तो एसिड डेरिवेटिव्स में एसिड हैलाइड आपको देखने को मिलेगा, बाकी आप सब समझ सकते हैं ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने SN1 पढ़ा, SN2 पढ़ा, अब बच रहा है SNI, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंट्रा मॉलिक्यूल। इंट्रा मॉलिक्यूल से मैंने I लिया है, तो ये कब होगा? जब अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई जा रही है, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बन रहा है, SO2 बन रहा है और HCl बन रहा है, तो ये तो वहां पर भी वही बन रहा था, तो वहां SN2 बोल रहे हैं या SNI बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए वहां सॉल्वेंट क्या था? पिरिडीन था। यहाँ सॉल्वेंट नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पिरिडीन सॉल्वेंट नहीं लिया जा रहा है, तो सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? यहाँ तो आप CCl4 ले लो, या लेने की जरूरत ही नहीं है, भूल जाओ, कोई सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है, खुद अपने आप में SOCl2 सॉल्वेंट का भी काम कर जाएगा, तो यहाँ आप कोई भी सॉल्वेंट मत ले, ज्यादा अच्छा है। तो पिरिडीन यहाँ पर मैंने लिखा है स्पेशली एबसेंट है, तो ना लेंगे तो ही SNI देखने को मिलेगा। तो खैर फिर भी हमारे पास क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहे हैं, तो फिर अंतर क्या आ रहा है कि आप SNI की बात कर रहे हैं? देखिए वहां अंतर आ रहा है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या हुआ था? इन्वर्जन देखने को मिला था। SN2 जब भी होती है तो इन्वर्जन, यानी अगर आपका R है तो S बन जाएगा, S कंपाउंड है तो R बन जाएगा, इन्वर्जन का मतलब तो आप जानते ही हैं, पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री है। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो इन्वर्जन देखने को मिलेगा, R है तो S, S है तो R, लेकिन SNI के अंदर R है तो R ही बनेगा और आपके पास ऐसे तो ऐसे ही देखने को मिलेगा, तो यानी कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन। तो मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूँ, SN1 इसके अंदर इन्वर्जन रिटेंशन दोनों है, सिर्फ रिटेंशन है, सिर्फ इन्वर्जन है, इज दैट क्लियर? फिर ध्यान से सुनिए, यहाँ इन्वर्जन रिटेंशन दोनों है, यानी रेसेमिक मिलेगा, यहाँ रिटेंशन मिलेगा, जिस डायरेक्शन में हेलोजन है उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में OH है उसी डायरेक्शन में हेलोजन जुड़ेगी, या हेलोजन उसी डायरेक्शन में जुड़ रही है, अटैच हो रही है जहाँ आपके पास लिविंग ग्रुप है, यानी न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैच हो रहा है जहाँ लिविंग ग्रुप है, आ रही है बात समझ में? जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप नहीं है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे आप? रिटेंशन या इन्वर्जन? इन्वर्जन, अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होना इन्वर्जन, सेम डायरेक्शन में होना रिटेंशन, और यहां दोनों ही डायरेक्शन में होना रिटेंशन इन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपके लिए हो गया। और SNI एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, SNI और SN2 में क्या डिफरेंस है? वो यही है कि डायरेक्शन का नेचर है, बाकी दोनों ही सेकेंड ऑर्डर की है, वो आप आराम से समझ लीजिएगा, ठीक है?